किसी भी समाज की प्रगति परिस्थितियों के अनुरूप दूरदर्शी योजना बनाकर चलने से होती है, किसी और का अंधानुकरण करने से नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम समाज निर्माण के शाश्वत सिद्धांत। हर देश व समाज की परिस्थितियां और परेशानियां अलग हैं, परंतु तब भी किसी राष्ट्र की मूलभूत विशेषताओं व प्रामाणिकता को अपनाकर उनके समाज की प्रगति का विश्लेषण करके उपयोगी प्रेरणाएं तो ली ही जा सकती हैं। हमारे देश में 80% आबादी गांवों में केंद्रित है, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। दुर्भाग्यवश ना तो विकास कार्यक्रमों का लाभ गांवों तक पहुंच पाया और ना ही कृषि तंत्र ही विकसित हो पाया। इसके अलावा सबसे ज्यादा अशिक्षित जनसंख्या भी ग्रामीण ही है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हर भारतवासी के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है। संक्रमण काल में हम सब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि महामारी फैलने पर जिसमें जितनी योग्यता होती है और जिसके पास जितने साधन होते हैं, उन्हें लेकर वह विपत्ति से निपटने के लिए जुट पड़ता है। आज अपने देश को सुयोग बनाने और समाज का निर्माण करने में भी ऐसी ही तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। पुस्तक के कुछ अंश। निरक्षर व्यक्ति को संसार में विद्यमान अमृत जैसे बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। विद्यादान में कृपणता बरतने वाला व्यक्ति ब्रह्म राक्षस कहलाता है और परमात्मा के दरबार में निष्ठुर कहलाता है। रचनात्मक मनोरंजन द्वारा हमारा व्यक्तित्व अपनी अधिक संपूर्ण अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोज निकालने के लिए विविध प्रकार के रूप धारण करता है। सहकारी कृषि भारत जैसे अधिविकसित देश की पुनर्गति भूव्यवस्था की प्रणाली के लिए आदर्श है। नगरों कस्बों में रहने वाले लोगों को अपने घर के बाहर पड़ी जमीन पर छत पर टिन गमलों आदि में शाक सब्जियां उगानी चाहिए, जिससे मानसिक उल्लास व शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और राष्ट्र का खाद्यान्न समस्या में भी सहयोग होगा। अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के विनाश का कारण, आयु को नष्ट करने वाला, स्वर्ग का विरोधी, पुण्य नष्ट करने वाला तथा अपयश का कारण है, अतः उससे बचते हुए मितभोजी बनना चाहिए। गाय का दूध संपूर्ण और सर्वोत्तम आहार है। इसमें वह सभी शक्तिवर्धक तत्व विद्यमान हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में गाय का दूध सुलभ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका निजी जीवन जिस वनस्पति जगत पर निर्भर है, उसके अस्तित्व को समुचित प्रमाण में बनाए रखने के उत्तरदायित्व को समझे। पुस्तक के कुछ बिंदु। देश की प्रगति का आधार ग्रामीण विकास, ग्रामीणों की मनोरंजन समस्या का हल, खाद्यान्न संकट का हल कठिन नहीं, अन्न देवता का अपमान न किया जाए, भूलोक की प्रत्यक्ष कामधेनु गाय, ये पुनीत कार्य हर कोई कर सकता है।